हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 82 उन्होंने धूम मचा दी काल की फिल्म में। ये बात उन्होंने 1974 में कही थी। भी लोग बोल रहे बच्चन साहब बूढ़े हो गए, 82 ईयर्स के हो गए, तो बूढ़े हो गए तो उन्होंने इस बात में 1974 मजबूर फिल्म आई थी। डायरेक्टर रवि टंडन के डैड ने फिल्म डायरेक्ट की थी 1974 मजबूर। उस पिक्चर में बच्चन साहब ने एक डायलॉग मारा था, वो डायलॉग आप देखिए। जरा बूढ़ा होने दीजिए फिर देखिए। अच्छा, हिंदुस्तान भर में मेरे जैसा बूढ़ा तो कहीं नहीं। देखा क्या डायलॉग है, मतलब क्या बोला था बच्चन साहब ने, मेरे जैसा बूढ़ा हिंदुस्तान में होगा नहीं, वाकई में है ही नहीं कोई। जो कालकी में उन्होंने काम किया, ये ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस एट द एज ऑफ 82। अब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक तो 200 करोड़ पार कर दिया कालकी ने हिंदी वर्जन में, ओनली हिंदी वर्जन, और 500 करोड़ क्रॉस कर दिया ऑल द लैंग्वेजेस ओनली इन इंडिया इन 11 डेज। 500 करोड़ का वीडियो हम कल बनाएंगे, और आई होप 900 के ऊपर ही चली होगी पिक्चर। अभी देखते हैं कितना वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन 200 के ऊपर ही गई है पिक्चर, 200 करोड़ पास कर दिया। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक 210-215 करोड़ तो हिंदी में बनाई दिया। इट्स अ वेरी वेरी गुड सर डब फिल्म। एज ऑफ 82 बच्चन हैज ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस। प्रभास ने तेलुगु वर्जन साउथ में धूम मचा दी, ऑल ओवर द वर्ल्ड धूम मचा दी। बच्चन साहब का लोग को काम बहुत पसंद आया, कमल हसन का काम लोग पसंद आया, पूरी फिल्म लोगों को पसंद आई। जैसे फाइनली मजबूर फिल्म में बच्चन साहब ने जो कहा था आपने सुना, एज इज जस्ट अ नंबर गाइस। इसी तरह का परफॉर्मेंस बॉलीवुड को बच्चन साहब के साथ निकालना चाहिए, जिस तरह साउथ के लोगों ने डायरेक्टर नाग अश्विन ने उनका परफॉर्मेंस भाग निकाला था। उनकी मतलब ये उम्र में भी वो जो काम कर सकते हैं, वो एक मतलब एक नई दिशा दी लोगों को, तो ये बॉलीवुड को सब सोचना चाहिए। बॉलीवुड में जरा सम राइटर्स वो लोग क्या समझ रहे हैं कि मतलब अगर ये एक्टर की एज हो गए तो कुछ नहीं कर सकते। बच्चे सब ने बता दिया कि यू आर फूल्स, मैं अभी भी एंग्री यंग मैन हूँ, पहले भी था, अभी भी आगे भी रहूँगा। तो कालकी क्रॉसेस 200 करोड़ ओनली इन हिंदी वर्जन। बच्चन साहब एट द एज ऑफ 82 हैज ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस। सो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल टिल नेक्स्ट वॉइस एंड गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।